हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मुझे लगता है काफ़ी सारे सुधार कर रहा है अपने प्रोसेस में। अब इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ किया है स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। दोस्तों, ये नोटिस आपका फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल और जो सेकेंड सेमेस्टर आने वाला है उसके स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसमें उन्होंने ये तो नहीं बताया कि स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, लेकिन हाँ, इन्होंने एक जो कमेटी है वो अपॉइंट करी है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। जो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल है और सेकेंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल है, स्पेशली सेकेंड सेमेस्टर का, उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो क्वालिटी होगी स्टडी मटेरियल की, उसके ऊपर वो सब ये जो कमेटी बनाई गई है ये तैयार करेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार कि क्या नोटिस इन्होंने रिलीज़ किया है। जो वेबसाइट है उस पर आने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंस्टिट्यूशन ऑफ SOL स्टडी मटेरियल रिव्यू कमेटी, इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस है आज ही रिलीज हुआ है 23 नवंबर को, जिसमें बताया गया है कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वो CBCS का सेमेस्टर सिस्टम लॉन्च कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है इसी सेशन से 2019-20 से सारे पाँचों अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। इसके पर्पज़ के लिए तो स्टडी मटेरियल होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, और जो सेकंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल है वो प्रोसेस के अंदर है फाइनलाइज होने में, यानी जो बुक्स प्रिंट होंगी सेकंड सेमेस्टर की उसके अंदर क्या कंटेंट आपको दिया जाए जो आपके लिए सूटेबल हो, अच्छा हो, तो वो चीज़ अभी प्रोसेस में है। अकॉर्डिंगली फॉलोइंग सब्जेक्ट वाइज कमिटी इज प्रपोज टू रिव्यू द अवेलेबल स्टडी मटेरियल ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एंड अपकमिंग स्टडी मटेरियल ऑफ सेकेंड सेमेस्टर विद रिगार्ड्स टू इट्स क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड अदर एक्सपेक्ट्स। तो मतलब दोस्तों, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर का अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको ये कमेटी रिव्यू करेगी, और जो अपकमिंग सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर उसमें जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे उसके जो स्टडी मटेरियल होगा उसका जो कंटेंट होगा क्वालिटी होगा उसको भी यही कमेटी रिव्यू करने वाली है। ठीक है, यहाँ पर कमेटी के जो सब्जेक्ट वाइज नेम हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट के, उसके बाद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स के, फिर एजुकेशन के, इंग्लिश के, तो इन सब के अलग अलग नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आपको पता है इंग्लिश मीडियम का स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्द ही शायद EVS का भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव ये नोटिस लग रहा है मेरे को, इसलिए आपको बताना कंपलसरी समझा। मैथमेटिक NEC, देखिए मैथमेटिक और NHE जिसमें स्टूडेंट कम लेते हैं, मतलब इन दोनों कोर्सेज में, इन दोनों सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, BA प्रोग्राम में सब्जेक्ट होते हैं, तो हो सकता है इसका भी स्टडी मटेरियल रिव्यू किया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे टीचर्स के नाम हैं, तो आप पेशेंस रखिए, आपको इन सब्जेक्ट्स का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, यहाँ पे MIL का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, हिंदी का भी हैगा ऊपर, आप देख सकते हैं। तो ये सब कमेटी टीचर्स की बनाई गई हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या स्टेप SOL लेता है। छोटे से छोटी अपडेट जो भी होगी हम आपको वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, बाकी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।